हेलो स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे स्क्रीन में। टॉर्सली बैरोमीटर यूज मर्करी पास्कल डुप्लीकेटेड यूजिंग फ्रेंच वाइन ऑफ डेंसिटी इतना डेटरमाइन द हाइट ऑफ द वाइन कॉलम फॉर नॉर्मल एटमोसफेयरिक प्रेशर। तो कुछ नहीं किया पास्कल ने, उसके लिए वाइन यूज़ कर लिया। अब चाहे वो वाइन यूज़ करे चाहे वो मर्करी यूज़ करे, प्रेशर तो उतना ही पड़ेगा, इक्वल टू एटमोसफेयरिक प्रेशर। लेकिन क्योंकि वाइन की डेंसिटी बहुत कम है मर्करी से, तो जो हाइट ऑफ कॉलम है वो बहुत ज़्यादा होगा, वही हाइट अपने को निकालना है। ठीक, आप यहाँ लिख दो, प्रेशर अप्लाइड बाय टॉर्सले इज इक्वल टू प्रेशर अप्लाइड बाय पास्कल। इसकी प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एच रो जी, हाइट ले लो एच वन, डेंसिटी ले लो रो वन टॉर्सले का, और ये जी, इसको ले लो एच टू रो टू जी, जी जी कैंसिल। टॉर्सले बैरोमीटर में कितना हाइट गया था, 76 सेंटीमीटर। मरकरी की डेंसिटी कितनी है, 13.6 × 10^3 kg पर क्यूब। ये जो मैंने सेंटीमीटर में ले लिया क्योंकि हाइट आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा, डेंसिटी यहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब में, तो इसके इसीलिए मैंने इसको केजी पर मीटर क्यूब में लिया है। आप चाहो तो इसको 0.76 मीटर भी ले सकते हो, तो आपका आंसर मीटर में आ जाएगा। ठीक, अब ये हाइट हो गई एच टू, नहीं पता, और डेंसिटी कितना है, 984। ठीक है, ओके, एच टू कितना आ जाएगा, 76 × 13.6। अब 13.6 से 1 0 हटा दो तो 136 हो जाएगा, ये 0 हटा दो, ये हो जाएगा 136 × 10^2 अपॉन 984 इज इक्वल टू एच टू। अब इसको सॉल्व करो, 76 × 136, ठीक है, ये समथिंग आपका आएगा 10,336, 10,336 डिवाइड बाय 984 × 10^2। अब इसको डिवाइड करो 10,336 को 984 से, ये आपका अप्रोक्स आ गया 10.5। आपका आंसर आ गया, हाइट एच टू इज इक्वल टू 10.5 × 10^2 cm, या मीटर में निकालना है तो ये हो गया 10.5। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब कर लो यार, कुछ मैं भी पैसे कमा लूँ। शादी हो गई है, खर्चे इतने बढ़ गए हैं, परेशान हो गया हूँ। सही में सिंगल था, कोई खर्चा नहीं, न ज़रा शॉपिंग का शौक, न किसी का शौक, मतलब शादी वो सोच समझ के करना, ऐसे मत कर लेना, जेब में पैसा तभी करना।